हेलो फाउंडर्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे हो। तो आज है थर्सडे एंड आज 23 नवंबर है एंड कल रात में हुआ था ऑन पैसिव 360 जैसे हमेशा होता है, लेकिन इस बार थोड़ा मतलब क्या बताऊँ आपको, ऐसा नहीं आया। मैंने हमेशा बोलता हूँ कि 99% चांस है क्योंकि लगभग 6 हफ्ते आ रहे थे, 5-6 हफ्ते, लेकिन लास्ट वीक मतलब कल नहीं आया था ऐसा। तो यही बात है, आप क्या बताओ बोलो। हमेशा बोलता हूँ कि 99% चांस है, मैं हमें कभी नहीं बोलता 100% चांस है, 100% गारंटी ऐसा आएगा। तो 99% चांस है जो भी हो ऐसा नहीं आया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि ऐसा बिजी है, ऐसा बहुत ज़्यादा बिजी है, इसलिए नहीं आ पाया। वो हमारे फ्यूचर के लिए, कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। ऐसा क्लियरली आके बोलते हैं कि अगर हमने नहीं आता हूँ, मतलब लगभग बहुत दिन हो गया, 1-2 हफ्ते हो गए एंड मुझको नहीं दिख पा रहे हो, आप नहीं आ रहे किसी भी वेबिनार में, कोई भी पॉपअप नहीं आया, इसका मतलब है हम बिज़ी है एंड हद से ज़्यादा बिजी है कि आपको एक पॉपअप भी देना नहीं पड़ रहा, या आपको एक मीटिंग में 30 मिनट्स के लिए भी नहीं आ सकता मैं, इतना ज़्यादा बिजी होगा, शेड्यूल इतना टाइट है। ठीक है, तो यही बात है ऐसा नहीं आने का। ठीक है, लेकिन हाँ वहाँ पे वो क्रिस सर, रेड सर, मार्टिन सर सब थे एंड बहुत अच्छा डिस्कशन हो रहा था जो हमेशा होता है लास्ट वीक के बारे में, फ्यूचर के बारे में क्या होता है। तो वो ऐसा नहीं होने के लिए वो उन्होंने डिस्कशन किया। अब क्या डिस्कशन किया वो इस वीडियो में आपको बताएंगे। उन्होंने ये बताया कि जो हमारा पेमेंट सिस्टम है उसके ऊपर काम चल रहा है एंड बहुत जल्द हम पेमेंट सिस्टम देखने को हम लोगों को मिल सकता है। ठीक है, एंड ये जो शांत माहौल है ना, मतलब कोई मीटिंग्स नहीं, कोई अपडेट नहीं, कोई पॉपअप नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है, ये तूफ़ान का पहले जो शांति होता है वो चीज़ है जो तूफ़ान आने वाला है, इसका पीछे जो शांति होता है, पहले जो शांत हो जाता है पूरा चीज़ क्या होता है पता नहीं चलता है कि क्या होने वाला, इसके बाद बहुत बड़ा तूफ़ान आता है, वही चीज़ है। ठीक है, ये शांत हो गया सब कुछ, अब तूफान आने वाला है तो उसके लिए प्रिपेयर रहो। एंड उसके बाद रेड सर ने ये कहा कि जो लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में कुछ टाइम पहले मैंने भी देख रहा था एक्चुअली, जो वो क्या बोलते हैं किसी ने लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे। ठीक है, मैं नाम बताता हूँ, एक्चुअली भूल गया। ठीक है, अपडेट बोलते बोलते मैं वो चीज़ भूल गया कि कौन लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे। ठीक है, रॉबलिन ने वो कनेक्ट में लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे अभी कुछ टाइम पहले, हर दिन होता है वो, 1 घंटे पहले लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा था। तो वो कनेक्ट में आप भी लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर रखना कि वो कनेक्ट में लाइव स्ट्रीमिंग जब करोगे, आप तो जानते ही हो, मैंने पहले भी बताया था आपको कि अगर लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हो तो क्या करना, आपको मीटिंग ऑन करना है एंड फिर नीचे जो ऑप्शन होंगे वहाँ पे स्ट्रीमिंग ऑप्शन होंगे, वहाँ पे आपका जीमेल आईडी एंड पासवर्ड शो करना, देन ओके बस आपका लाइव हो जाएगा। लेकिन हमेशा कोशिश करना वो कनेक्ट में लाने की। यूट्यूब में अगर वो चीज़ कर रहे हो तो लोग यूट्यूब से देख के भाग जाएगा, लेकिन अगर मीटिंग वो कनेक्ट में हो रहा है एंड वो लोग वो कनेक्ट में ज्वाइन होना चाहते हैं तो वो कनेक्ट में क्या होगा कि आपका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। एंड अगर वो उसमें आपका लिंक है तो आपके नीचे आएगा, एंड आपके नीचे नहीं है तो जैसे वैसे मतलब सिंपल ओ कनेक्ट से ओन पैसिव से आने तो किसी को नीचे आएगा, लेकिन फ़ायदा हम लोगों को होने वाला है अगर वो सिस्टम पे आते तो। अगर यूट्यूब से देख के चले जाते तो कोई फ़ायदा नहीं है, ये चीज़ आपको दिमाग पे रखना है। एंड इसके साथ जो लोग आने वाले हैं या आएंगे या इन्वाइट करने वाले हो, सबको अबाउट सेक्शन के बारे में ज़रूर बताना, ओन पैसिव के बारे में बताने से पहले अगर वो लर्न मतलब उसको पहले ये बताओ कि आप जाके onpassive.com विजिट करो, देखो हमारा पूरा डिटेल्स वहाँ पर है कि कौन सा प्रोडक्ट आ रहा है, कौन सा प्रोडक्ट आ चुका है, किसी का प्ले स्टोर में एप्लीकेशन है, किसी का कहाँ पर है, पूरा डिटेल्स वहाँ पर है। एंड अबाउट सेक्शन मस्ट चेक करना, क्योंकि अबाउट सेक्शन में सब कुछ है, हमारा कंपनी के बारे में, हमारा बिजनेस के बारे में, बिजनेस मॉड्यूल के बारे में, फ्यूचर प्लानिंग के बारे में, सब कुछ अबाउट सेक्शन में है। तो जाके वो चीज़ एक बार
ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो ये लोगों को आपको सजेस्ट करना है, ठीक है। अभी इसके अलावा जो पेमेंट रिगार्डिंग बात हो रहा था, मतलब जिसका पैकेज ख़त्म होने वाला है उसके लिए, तो रेड सन ने उनको सबको बताया ये कि किसी किसी का एक्चुअली बहुत अर्ली सब्सक्रिप्शन ले लिया था, मतलब 2 तारीख के आसपास ही ले लिया था। मैंने खुद भी लिया था 2 तारीख में या 3 तारीख में भी लिया था, तो हमारा पैकेज एक्चुअली दिसंबर के 2 तारीख में ही ख़त्म होने जा रहा है, तो ये भी बात है। लेकिन हाँ, ऐसे बहुत लोगों का 2 दिसंबर ख़त्म होंगे पैकेज, तो रेड सन ने सबको ये क्लियर कर दिया कि जिस जिसका बहुत अर्ली ख़त्म हो रहा है या जो भी हो, मतलब ख़त्म होने जा रहा है, सबके लिए एक डेट, मतलब एक टाइमिंग डिसाइड कर रहा है कंपनी ने मीटिंग करके, ठीक है, फेयर वैल्यूएशन के तौर पे कि कितने दिन हम दे सकते हैं फ्री में, कितने लोग हैं, कितने लोगों का, मतलब हमारा कॉस्टिंग हिसाब करना पड़ेगा ना कि वो कनेक्ट कॉस्टिंग क्या है, किसने में बना है, एंड अभी वो एक दिन चलने में कितना ज़्यादा डेटा खा रहा है, मतलब डेटा सेंटर का, अब उसका कॉस्टिंग क्या है, तो बहुत सारा कैलकुलेशन होना करना पड़ता है, तो वो सब करेंगे एंड उसके बाद ही डिसाइड करेगा कि हम लोगों को कितना दिन एक्सटेंड कर सकता है, ठीक है। तो वो आपके आपको टेंशन नहीं है, बस यही बताऊंगा कि डेट ख़त्म होने से पहले हो या एक दिन के अंदर हो, आपका ओ कनेक्ट सब्सक्रिप्शन का जो वैलिडिटी है वो एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है। उसको लेकर ज़्यादा टेंशन करने का नहीं है कुछ। एंड पेमेंट रिगार्डिंग ने मार्टिसन ने ये भी बोला है कि पेमेंट नहीं है, टेंशन मत लो, जो सिस्टम है वो इतना आसान नहीं होता है, शुरू शुरू बाद में बहुत सारा प्रॉब्लम होता ही है, लेकिन हम वो कोशिश कर रहे हैं कि जो बल्क में पेमेंट किया जाए इसके लिए बहुत ज़्यादा मर्चेंट, ठीक है, एक से ज़्यादा मर्चेंट ऐड करने की कोशिश हम कर रहे हैं, तो वो काम हो रहा है, जैसे कि हम लोगों को भलाई के लिए हो रहा है कि जैसे कि सिस्टम में अच्छा फ्लॉलेस चले, वो पे इन हो या पे आउट हो, ठीक है, दोनों ही चीज़ एक्चुअली स्मूथली चले, इसलिए ये काम कर रहा है। एंड वो बिजी है इसलिए सर बहुत ज़्यादा बिजली तो नहीं आ पाया। एंड वन मोर थिंग, KYC भी होने वाला है एंड उसके साथ साथ एश बॉम्ब भी आने वाला है। ऑलरेडी आज का मतलब क्या बताओ, 23 नवंबर है एंड 7 दिन बाद ही 30 नवंबर, तो मतलब 1 हफ्ते बाकी है दिसंबर का 1 तारीख आने में, तो नेक्स्ट फ्राइडे, आई थिंक आज थर्सडे है, तो नेक्स्ट फ्राइडे 1 दिसंबर है, 1 दिसंबर है, तो टाइम हो ही चुका है, मतलब और कुछ दिन ही बाकी है, तो प्लीज़ पेशेंस बना के रखिए, आपको ज़्यादा टेंशन करने का कोई ज़रूरत नहीं है, जिसका ख़त्म हो रहा है उसका ही ज़्यादा टेंशन है ना, तो उन लोगों को मैं हर बार बोलता हूँ कि आपका डेट एक्सटेंड होने वाला है, जो लोग पेमेंट नहीं किए हो वो थोड़ा वेट करो, अगर क्रिप्टो में पेमेंट हो सकता है आप कर सकते हो, या कोई जान पहचान कर सकता है जिसमें आपका पैसा खोने का कोई चांस नहीं है, ये दिमाग पे रखो, ये बात स्टार करके आपको दिमाग में ये घुसा लो, अगर ऐसे किसी से आप कर सकते हो जिसमें आपको पैसा खोने का कोई चांस नहीं है, जीरो चांस है, जीरो, कि हाँ वो पैसा नहीं मर सकता या मरेगा या मेरा खुद का लोग है, तो वैसे ही लोगों से आप क्रिप्टो से पेमेंट करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं तो क्या आपको कार्ड के लिए ही वेट करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन हमारे पास है नहीं, आप नहीं दे सकते तो आपको क्रिप्टो में, तो आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही था अपडेट, आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करो, लोगों से शेयर करो, एंड थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, ठीक है, हर एक ग्रुप में वीडियो शेयर करना चाहिए, ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।